फेस्टिव सीजन पर आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल ने दिल्ली क्षेत्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब 1 लीटर फुल क्रेन दूध की कीमत बढ़कर 63 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले अगस्त में भी दूध की कीमतों में बढ़त की गई थी। कल ही आई महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार पशुओं के चारे को महंगाई दर 25% से ऊपर 9 साल के रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई है। इससे दूध उत्पादन करने वाले किसानों की लागत में तेज उछाल आया है। अब अमूल की बढ़ती लागत का हवाला देकर ही कीमतों में बढ़ोतरी कर रहा है। आज हुई कीमत में बढ़त अप्रत्याशित रही है। सुबह लोगों को बढ़ी हुई दरों पर दूध मिला। हालांकि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। फिलहाल बाजार में फुल क्रीम दूध 2 रुपए महंगा हो गया है और नई दरें 61 रुपए से बढ़कर 63 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल त्योहारी सीजन शुरू हो गया है और इसी बीच अब महंगाई की मार जनता पर एक बार फिर से पड़ती दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो जनता के ऊपर देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकारें जरूर घोषणाएं करती हैं और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि सरकारों के जनता के लिए कहीं ना कहीं सुविधाएं दी जाएंगी। वो सुविधाएं अब कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जनता खरीद नहीं पा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हुए, आपसे जानना चाहेंगे मैडम, एक मिनट जरा आप ये बताइए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, क्या लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कतें आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि जब गृहिणी को पूरा बोझ आ रहा है तो कहाँ से बजट करेगी। एक तो आमदनी इतनी नहीं, काम बिल्कुल ठप पड़ चुके हैं, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। खाने के ऐसा हो रहा है, बाज वक्त तो किसी को देखो तो उनके पास बेचारों का खाना भी नहीं है। दूध की बात करें तो दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं, सिलेंडर की बात करें सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं, सब्जी के दालों के, मतलब ये पूरे एरिया में कहीं भी निगाह उठाकर देखो तो किसी भी चीज के दाम डाउन नहीं, अपर ही जा रहे हैं। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, आप लोगों को घर के गुजारा जो करना होता है, क्योंकि आप महिलाएं हैं, रसोई का जो हिसाब किताब वो सारा आपके हाथ में होता है, किस तरीके से मैनेज करते हैं और बच्चों को जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं? बहुत अपने को कवर करना पड़ता है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश तो नहीं मार सकते हम, अपने को कम कर सकते हैं, बच्चों को नहीं कर सकते। फीस है, कोर्स है, एक्टिविटीज है, स्कूल में इतनी एक्टिविटीज हो जाती है कि हमें उसको पूरा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि हमें अपने को खत्म करना पड़ता है। समझो, हम अपने शोहर को देखते हैं तो सोचते हैं उन पे कहाँ बोझ डाले, बच्चों को देखते हैं तो कहाँ से ख्वाहिश पूरी करें, तो फिर हमें अपना हर चीज को खत्म करना पड़ता है। कपड़ा, कपड़ों का बजट, हर चीज का, पार्लर तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हैं। अच्छा, कभी ये लगता था कि हम जिन नेताओं को चुन के लेके आ रहे हैं वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि मैं उल्टा हमारे ऊपर बोझ डाल? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हमने केजरीवाल साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें की थी, पर हमें लगता है ऐसा कुछ नहीं, एरिया में इतना गंदा पानी है सर, पीने लायक तो पानी है नहीं, पब्लिक पे पानी का बोझ पर है, क्योंकि हमें बिस्लरी पे डिपेंड करना पड़ा। अब बिस्लरी हम कहाँ तक खर्च करें, कहाँ से इतना पैसा लाए, वो भी बोझ हम पर है। सड़कें जगह जगह से खुदी पड़ी हैं, क्या देख रहे हैं? हमने कह दिया जी हमारा सांसद आ गया है, लेकिन सांसद वक्ती तौर पर आते हैं, देखने कोई नहीं आता। वोट के टाइम सब दिखते हैं, वोट के बाद कोई नजर नहीं आता पूछने के लिए कि आपके एरिया में हो क्या रहा है। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता की जो नाराजगी है वो भी देखने को मिल रही है, मगर घर की जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए देख रहे हैं, मगर यहाँ पर ये कोशिश जरूर करती है, वो कोशिश कितनी कारगर होती है ये सबके सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, दूध के साथ साथ अब देखिए सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं और कई चीजें ऐसी हैं जिनके दाम बढ़े हैं। और अगर बात करें त्योहारी सीजन की, अभी आने वाले समय में दिवाली का भी त्योहार आने वाला है, जो त्योहारी सीजन है उस समय में मिलावट का दौर भी चल गया है और अब कीमतें भी बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर जनता को मिलावट भरी चीजें भी दी जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें इनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है। मैडम, एक थोड़ा सा आगे और आ जाइए, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से दूध के दाम बढ़े हैं, त्योहार आ चुके हैं, दिवाली है, यहाँ तक कि आपकी ईद भी आ रही है, क्या लगता है कि जो महंगाई है वो क्यों बढ़ी है, कारण क्या है आपकी नजर में? कुछ लगता है कि कारण तो यही है ना कि बेरोजगारी ज्यादा है। नेता तो कहते हैं कि बेरोजगारी है नहीं और महंगाई इतनी बड़ी नहीं है जितनी वो टीवी कैसे अनाउंस कर। नहीं सर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, काम नाम पे नहीं है, पब्लिक को कहीं लाइसेंस पे मारा जा रहा है तो कहीं कहते हैं ये चीज नहीं है तो ये, अब ये नहीं है तो ये, एक छोटे से काम के जाओ तो रिश्वत पहले रखी जाती है,
कहते छोटे से स्कूल में भी जाओ ना तो ये चीज चाहिए तो ये चीज नहीं है, हर जगह पब्लिक परेशान है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपके साथ आपका बेटा है, अगर ये दूध या कहें चाय मांगता है तो आप दूध के जो दाम बढ़ चुके हैं, क्या लगता है कि आप इसकी ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं? जी नहीं बिल्कुल सर, दूध लेते हैं ना हम आधा किलो चाय के लिए तो हम सोचते हैं उसको एक किलो मेंटेन करे, तो उसे हमें पानी की चाय देनी पड़ती है, बस पानी की चाय देनी पड़ती है। देखा आपने, कहीं ना कहीं पानी की चाय देनी पड़ती है, अगर यही हालत रहे तो आने वाले समय में शायद उनको पानी की चाय भी नहीं मिल पाएगी। सर अब बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मा ये क्या है, अब दूसरे बच्चे को देखते हैं जो सर अपर फैमिली है तो वो पिज्जा भी खाते हैं बर्गर खाते हैं, तो हमारे बच्चे उनको देखकर कहते हैं मम्मा वो टिफिन में ये लाते तो हमारे टिफिन में ये क्यों, तो हमें कितना अफसोस होता है कि हम अपने बच्चों को वो सब चीजें नहीं दे पा रहे। फिर कहते हैं हेल्दी फूड पर जाओ, तो हेल्दी फूड दें क्या, क्योंकि बच्चा फिर जंक फूड की साइड जा रहा है, क्यों जा रहा है इसी कमी से कि सर सब्जी आज तोरी है 80 रुपए 90 रुपए पर किलो, अब हम अगर किसी तोरे की सब्जी बनाते तो बुझ करके 30 हो जाती है, तो हम पूरी फैमिली को मेंटेन नहीं कर पाते। फिर हमारे बच्चे कहते हैं मम्मा सब्जी रोटी रह गई, अचार रोटी रह गई सब। तो एक सवाल और पूछूं यहाँ पे, अगर जैसे रोटियां दी जाती हैं बच्चों को, क्या घी लगा के देते हैं या फिर सादी देनी पड़ती है? घी कहाँ से लाए, वो तो ख्वाब है, वो तो ख्वाब है। तेल भी मुहैया हो जाए बहुत है, क्योंकि तेल परचून कितना पर जा रहा है, सरसों लो तो पर जा रहा है, तेल के भी तो दाम नहीं है, तेल भी तो पर है, कहाँ से लाए तेल। तो देखा आपने महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, बच्चों की फरमाइश जो है वो माँ बाप पूरी नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो घर की व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है, कमाई बिल्कुल नहीं है और जो थोड़ा बहुत कमाते भी है उससे गुजारा नहीं हो पा रहा है। जी राजीव, ये तो एक रहनी की बात थी, आपके साथ कुछ और भी दर्शक मौजूद है, वो यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे भी जाने, क्योंकि महिला गृहिणी को घर चलाना है लेकिन बाहर किस तरीके से जो पुरुष है वो किस तरीके से कोशिश करते हैं पूरी कमाई को बचाने की, उनसे भी जरा बात करिए। बात हम और लोगों से पूछेंगे, सर आप लोग जरा आगे आएंगे एक मिनट, तो कोई भी आगे आ जाइए। सर आप ये बताइए काम क्या करते हैं? हमारा तो कुरियर का काम। सर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है, आप लोग अपनी घर की जो बजट है उसको कैसे मैनेज करते हैं? बहुत दिक्कत है इस समय, इसी तरह तो अर्जित करना पड़ता है, काम तो ऐसा है नहीं, हम लोग तो वर्क पर है, वर्क होगा। आपकी वाइफ क्या कहती है जब कमाई लेके आते हैं तो कुछ लोगों पर घर का जो गुजारा है वो कर पाती है? नहीं कर सकते, कम है ना, बहुत इनकम तो है नहीं, सरकारी नौकरी को तो है, फ्लैट वाले बहुत दिक्कत। तो देखा आपने कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई हालात को सुधारने के लिए हर जनता की तरफ से यानी कि हर व्यक्ति की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, मगर वो कोशिश कितनी कारगर हो रही है ये जरूर आपके सामने आ चुका है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।